तो आज माइनक्राफ्ट में मैं ज्वाइन करता हूँ मेयर टाउन एसएमपी और वहाँ पर कुछ ऐसा होता है जिससे मुझे बदला लेना पड़ेगा मेरे दोस्तों से, और वो बदला आज तक का सबसे खतरनाक बदला होने वाला है, क्योंकि इलीगल आइटम का यूज करके मैं अपने दोस्तों का घर उड़ाने वाला हूँ। मतलब मैं टीएनटी से घर को नहीं उड़ाने वाला हूँ, पूरे घर को हवा में उड़ाऊंगा इलीगल आइटम की मदद से। यार वो सब तो चलते रहेगा, लेकिन तुम लोग सब्सक्राइब का बटन दबाओ, क्योंकि ये साल के पहले हमें 2 मिलियन सब्सक्राइबर पहुंचना है और लाइक है मैं 10,000 24 घंटे में कंप्लीट कर दूं। तो आखिरकार एक घर कंप्लीट हो चुका है और ये दोनों आंखें लगाना है मुझे, और ये देखो भाई क्या प्यारा बन चुका है हमारा मशरूम हाउस। और स्वागत है तुम लोगों का मेयर टाउन में। ये मेयर का पर्सनल सर्वर है जहाँ पर सारे काम लीगली होते हैं, लेकिन तुम लोग सोच रहे हो भाई टाउन कहाँ पर है, मैं अकेले क्यों रह रहा हूँ। तो यार उसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। तो यार मैंने अभी अभी सर्वर को ज्वाइन किया था, लेकिन तभी मेरे साथ कुछ हादसे हो जाते हैं। फ्लैशबैक। यार मेयर टाउन क्या पीसफुल जगह है, देखो क्या प्यारा टेंट बना दिया मैंने। अरे एक सेकंड, अभी ये क्या है भाई, ये फ्लिक था क्या, या तो टीएनटी क्यों फोड़ रहा है यहाँ पर मेयर टाउन में। रुक जा इसको पकड़ता हूँ। ये क्या कर रहा है फ्लिक, तू पागल हो गया है। यार पिछले एक हफ्ते से तूने किराया नहीं दिया ये जगह का, और तू पूछ रहा है मैं टीएनटी क्यों फोड़ रहा हूँ। भाई तुझे फोड़ने आया था मैं, घर तो गलती से फूट गया। अरे एक बार बता मुझे, तू क्या मारेगा मुझे। यार तू तो हमारे सामने बच्चा है यार, तेरे से बड़े बड़े गैंगस्टर लोगों को मारे हमने पैसों के चक्कर में। यार तू यार गरीब इंसान कोई काम का नहीं है, मैं तो तेरा घर फोड़ के रहूंगा अब, और तू जाके रह यार कोई दूसरे जोर वट्टी में। अरे भाई क्या कर रहा है तू भाई, एक ही तो हफ्ता हुआ है और मैंने एक हफ्ते किराया नहीं दिया तो घर फोड़ दिए। भाई मैं जानता हूँ मैंने एग्रीमेंट में साइन किया था, और तुझे तो बताऊंगा फ्लिक, तूने घर तोड़ा ना मेरा, बदला तो लूंगा मैं तुझसे। अरे मेरे ऐसे तो बदला ले भी नहीं सकता, ये देख भाई बंदूक 10 करोड़ की है, अभी गोली चला दूंगा खत्म हो जाएगा तेरा काम, चल भाग यहाँ से। भाई आर्मर का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, अभी तो तू देख लेना भाई, कुछ समय रुक जा भाई, ऐसा बदला लूंगा ना भाई घबराएगा तू भी। भाई घर तोड़ दिया मेरा यार। तो यार ये सब हुआ था मेरे साथ में भाई, बंदूक के दम पर भाई उसने घर फोड़ दिया मेरा। बंदूक तो कुछ भी नहीं है मेरे पास, अब आर्मर वगैरह आ चुका है। और हाँ ये जो मेयर टाउन है ना, यहाँ का टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि हमें हर समय रेंट देते रहना पड़ेगा, क्योंकि भाई यहाँ पर रहने के लिए रेंट लगता है। अभी तो खैर मैं बहुत ज्यादा अमीर हो चुका हूँ, तो ये देखो इतना बड़ा घर बना लिया मैंने, और टाउन से थोड़ा दूर आकर बनाया हो भाई, टाउन बहुत ज्यादा महंगा है। तो मैं आपको बता तो प्लान क्या है मेरा, लेकिन उसके पहले मेरा घर देखो भाई, ये हम लोगों का घर है और देखो कितना गजब सा है। और यहाँ पर ये देखो मैंने बैरल में छुपा कर रखा हूँ, और यहाँ पर कुछ हथियार वगैरह मेरे पास में, और ऊपर जाने का रास्ता, ऊपर मैंने अभी तक कुछ भी नहीं बनाया, पिछले एक हफ्ते से मैं बिना घर के रह रहा था, लेकिन मैं अपना बदला भूलूंगा नहीं फ्लिक से। तो पहले चलते हैं हम लोग टाउन की तरफ, क्योंकि मेरे पास बहुत खतरनाक प्लान है। और तुम लोग सोचोगे मैं क्या बदले की बात कर रहा था, तो बदला लेने का समय आ चुका है, आज मैं फ्लिक का पूरा घर उड़ाने वाला हूँ, मतलब हवा में उड़ाने वाला भाई, टीएनटी से नहीं, और उसको घर लेके कहीं और छुपा देंगे। और यार सर्वर पे एक नया प्लगइन ऐड हुआ है जिसमें हम लोग किसी के भी घर को तोड़ नहीं सकते, इसलिए मैंने प्लान बनाया है फ्लिक के घर को उड़ाने का। तुम लोग सोचोगे भाई घर किसी ने उड़ाया आज तक, नहीं भाई, पर मैं उड़ाऊंगा टेंशन मतलब। तो पहले हम लोग चलते टाउन की तरफ, मैं भाई बहुत दूर रहता हूँ टाउन से। तो मेयर टाउन पर पहुंच चुका हूं मैं, और यहाँ पर ज्यादा लोग तुमको दिख नहीं रहे होंगे, क्योंकि ये स्टार्टिंग है भाई सर्वर की, ये सबसे महान सर्वर में से एक बनने वाला भाई मेयर का है क्योंकि। और ये देखो राहुल का घर ये रहा। अरे राहुल रुक जा, कहाँ भाग रहा है। अरे भाई पीछे पीछे मैं डैश, यार क्या कर रहा है तू। अरे भाई एक मिनट, तू कहाँ से आ गया। अरे देख भाई ये है मेरी न्यू कार, और भाई एक काम कर तू कुछ खा ले भाई, यहाँ पे मीठा ले। अरे ठीक है भाई, मुंह मीठा कर दे लेकिन। अरे बाकी सब तो ठीक है, लेकिन तू यहाँ पे क्यों आया। भाई याद है पिछली बार वो फ्लिक ने मेरा घर तोड़ दिया था। और क्या भाई उसने बहुत अच्छा किया, और भाई अगर तू अगर हमको यहाँ पे नहीं करेगा तो भाई क्या होगा। क्या होगा ठीक है, वो सब तो ठीक है, लेकिन ये पता कितना गोल्ड कॉइन देना बचा है भाई। मेयर से मैंने लीज में लिया था जमीन, अब वो जमीन में खरीदने जा रहा हूँ, तो कितना लगेगा। अरे इस बार लगने वाला भाई 1 स्टैक गोल्ड कॉइन। ठीक है लेकिन वो जमीन मेरी हो चुकी है ना, कागजात में साइन करना कब है भाई, मेयर से मुझे मिलना है, कहाँ पर है वो। अरे यार भाई मेयर आज तो नहीं मिल पाएगा, तो एक काम कर भाई तू कल आ। अब वो जमीन हमेशा के लिए मेरी हो चुकी है, मुझे लेट नहीं करना है, तुझे जहाँ पर जाना जा भाई, मुझे मतलब नहीं, अभी जगह मेरी हो चुकी है। लेकिन एक बात बता यार, फ्लिक कहाँ पर है खत्म। अरे अब क्या हो गया भाई, बस यार उसे मिलना था, उसको दिखाना था मेरा नया घर, और कुछ नहीं यार। अरे भाई फ्लिक के पास तो इतना पैसा आ चुका है भाई, वो ना अभी आजकल इस टाउन में भी नहीं है, वो यहाँ से एकदम दूर कोई अच्छे से एकदम बंगलो बना के अभी है उधर। लेकिन कहाँ पर एड्रेस तो पता, मिलना है मुझे उससे भाई। देख यहाँ से लगभग 150 ब्लॉक से, एक काम कर यहाँ से तू अभी जा स्ट्रेट और राइट टर्न मार लेना। ठीक है चल जा रहा हूँ मैं। ठीक है भाई, तो यार अभी तो यहाँ पर सन्नाटा है बिल्कुल भी, तो फ्लिक के पास चलते हैं। ये देखो ये रहा मेयर का घर, और वो किसका घर है पूछना भूल गया मैं, और ये तो मैं राहुल का घर पहचान लिया था वैसे भी। चल चलते जल्दी फ्लिक के घर पे। यार प्लान पूरा रेडी है मेरा, लेकिन मेरे पास में सामान नहीं है प्लान के लिए, तो पहले मुझे फ्लिक का घर देखना पड़ेगा कितने मुझे ब्लॉक्स लगने वाले उड़ाने के लिए। ओ भाई फाइनली पहुंच गया फ्लिक के एरिया में, और वो देखो वो रहा भाई उसका घर। भाई सच बताओ तो घर बहुत ज्यादा सुंदर है उसका, सच में यार बहुत पैसे खर्च किया, और डिफेंस देखो क्या लगा के रखा है उसने, कमाल है भाई। यहाँ पर सब कुछ इतना महंगा है, और मुझे खबर मिली है फ्लिक आता ही होगा, तो एक काम करता हूँ मैं इस साइड हो जाता हूँ, क्योंकि यहाँ से तो रोड ही नहीं है, कैसे आएगा भाई। दोपहर का समय है भाई, वो काम करने आता है अपने घर पे। एक सेकंड भाई कोई तो आ रहा है उधर से, भाई ये फ्लिक तो नहीं है। ओ भाई ये तो फ्लिक है यार, ये वाला काम तो मुझे इस सर्वर का सबसे अमीर आदमी बना देगा यार। क्या बात है यार, ये वाला काम अगर मेरा हो गया ना 2 महीने में, तो मैं सबसे ज्यादा अमीर बन जाऊंगा। तो यार अभी जल्दी से अंदर चलता हूँ मैं, और कोई देख तो नहीं रहा है ना कोई गरीब आदमी। चलो सही है मैं अंदर जाता हूँ अब। क्या तुम लोगों ने भी वही सुना जो मैंने सुना, फ्लिक कुछ कह रहा था वो सबसे अमीर आदमी बन जाएगा 2 महीने में। भाई कमाल है, ये कैसे हो रहा है ये। लेकिन मुझे उससे क्या मतलब, मेरा प्लान जो है वो आज सक्सेसफुल होकर रहेगा। तो एक काम करते घर पे थोड़ा बहुत देखता हूँ मैं। तो यार मुझे पता है फ्लिक अभी नीचे क्या होगा, क्योंकि मुझे सब खबर मिल चुकी है। अब तुम ये मत पूछना मेरा खबरी कौन है, यहाँ पर बहुत कॉन्टेक्ट बना के रख दिया भाई एक हफ्ते में मैंने। लेकिन अब तुमको
चीज बताता हूँ, मैं चाहता तो अभी जाता था और फ्लिक को मार देता था, लेकिन भाई हम कुछ कर ही सकते दूसरे घर पर, ये देखो भाई टूट ही सकता है कुछ भी यार। प्रॉब्लम ये है कि मेयर ने बहुत तरीके से ये सर्वर को बनाया है, यहाँ पर ना डायमंड चलता है ना गोल्ड चलता है, यहाँ पर सिर्फ मेयर की करेंसी चलती है और इस चीज का फायदा बहुत लोग उठा चुके हैं, खास करके फ्लिक जैसे लोग। यार कोई बात नहीं, यहाँ से निकलता हूँ, पेड़ों के पीछे जाता हूँ, आ जाएगा थोड़ी देर में। यार मुझे लगता है फ्लिक आते ही होगा, एक सेकंड। ओ ये देखो नेम टैग दिख रहा है उसका। भाई मैं कितना ज्यादा अमीर बन चुका हूँ, क्या बात है यार। यार मेरे पास कितना सारा पैसा हो गया यार, गोल्ड कॉइन ये सब हर चीज है मेरे पास यार। फिर भी इतनी अमीरी नहीं दिखाना चाहिए, इसको वापस उठा लेता हूँ मैं। और एक काम करता हूँ यार, अब चल के चलते हैं यार, कोई अलग मीटिंग वीटिंग करते हैं, थोड़ा और अमीर बनता हूँ मैं। तो यार गाड़ी में बैठ जाता हूँ और यहाँ से निकलते हैं यार जल्दी से अब। अरे यार फ्लिक तो चले है, क्या बात है, लेकिन एक सेकंड वो कौन सा पैसा है? एक मिनट उठाते हैं भाई, वो कौन सा करेंसी है उसका? ओ भाई एक सेकंड, क्या वही चीज है जिसकी मुझे तलाश है? एक मिनट तुम लोगों को बताता हूँ ये है क्या भाई। इसको बोलते हैं लेवल 5 कार्ड, ये लेवल 5 प्रोटेक्शन है जो यहाँ के माफिया देते हैं। बहुत सारे माफिया है ना, फ्लिक ने जिस भी माफिया है कंपनी से खरीदा है, ये लेवल 5 कार्ड है और वो पागल छोड़ के भाग गया यहाँ पर। यार अच्छी बात यह है कि कैमरा खरीदने के इसके पास पैसे नहीं अभी, या शायद इसने सोचा खरीदना नहीं चाहिए मुझे क्योंकि ये है इसके पास में। लेकिन टेंशन मत लो, मेरे पास लेवल 5 की कार्ड है। और ये क्या नॉट वेलकम? भाई सच में बहुत ज्यादा बेकार है भाई फ्लिक तो, नॉट वेलकम लिख के रखा है, मतलब घर पे कोई आना नहीं चाहिए इसके। लेकिन यार मुझे बस यहाँ पे स्वाइप करना है और ये देखो खुल गया, अंदर जाता हूँ पहले मैं। ओके कार्ड तो मेरे पास ही है। अब ये रहा इसका घर और ये इस तरफ कहीं पर गया था, ठीक है वो तो देखेंगे हम लोग, पहले ये देखते हैं। रुको गाइस, मैं आपको एक ऐसे वेबसाइट के बारे में बताना चाहता हूँ जिस पर आप ओपिनियन देके रियल मनी जीत सकते हो। विनबस एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिस पर आपको सवालों का सिर्फ सही जवाब देना है। इसमें आपको डिफरेंट कैटेगरीज मिल जाएगी स्पोर्ट्स में, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस। वहाँ बस आपको हु विल विन द मैच के ऑप्शंस में जाके अपना ओपिनियन देना है। और गेमिंग में जैसे कि अंदर बार, लूडो, एविएटर जैसे गेम्स भी है। यहाँ मिलेगा 24 आवर्स इजी डिपॉजिट और विड्रॉल जब मन चाहे तब, साथ में वीवीआईपी कस्टमर सपोर्ट। विनबस देता है 50,000 का ज्वाइनिंग बोनस। कमेंट बॉक्स पिन में मेरे लिंक से जाओ और रजिस्टर करो और खेलना चालू करो। अब आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है, विनबस आपके साथ है। भाई कितना खाली घर है भाई, मॉडर्न घर तो है बट अजीब सा कुछ नहीं है। चलो अंदर चलते हैं और ये देखो नीचे आने का रास्ता है, लेकिन प्रॉब्लम वही है ना, कुछ तोड़ नहीं सकता हूं मैं तो। नीचे चलते पहले देखते क्या यहाँ पर, भाई असली खजाना यहाँ पर होगा। और एक सेकंड यहाँ पर तो मनी पाइल है पूरा, इतना सारा। एक एटीएम भी है, एटीएम चोर के रखा इसने यार। या तो इसने एटीएम को चोरी किया है या इसके पास इतने पैसे कि उसको एटीएम चाहिए पैसे गिनने के लिए, क्योंकि यहाँ पर पैसे गिनने की मशीन भी है। यार मैं कुछ कर ही सकता हूँ यहाँ पर, कमाल है, काश ये पैसों को तोड़ पाता मैं, लेकिन देखो कुछ भी नहीं हो सकता भाई। ये यहाँ पर रूल ऐसा बना के रखा ना मेयर ने, कोई भी किसी का घर कुछ भी नहीं कर सकता है, लेकिन वो रूल मेरे घर को तोड़ने के बाद ही आना चाहिए था क्या? खैर छोड़ो ये तो कुछ नहीं है, अभी तो जो प्लान है ना मेरा उसके लिए मुझे यार एक बंदे की जरूरत है। तो पहले चलते उससे मिलकर आते, फ्लिक आ जाएगा जल्दी निकलते हैं। ओके की कार्ड मुझे यहाँ पर डालना है और चलते हैं। और एक काम करता हूँ भाई, ये की कार्ड मैं अपने पास रखता हूँ क्योंकि फ्लिक को लगेगा भाई उससे कोई चोरी नहीं कर सकता है, तो उसको लगेगा घुमा दिया उसने भाई। ये टाउन के पीछे में वहाँ पर देखो आपको दिख रहा होगा बैंक, तो हमें बैंक की तरफ जाना है। मैं बता दो बैंक में करना क्या है, पहले हमें बैंक से थोड़ा लोन लेना, तो चलते भाई लोन देगा कि नहीं पता नहीं वो लोग। तो ये रहा इनका सरकारी बैंक, तो अंदर चलते हैं। लेकिन तुम लोग सोच रहे हो कि मेरे पास है क्या गिरवी रखने के लिए? टेंशन मत लो यार, घर है ना मेरा, उसे गिरवी रखेंगे। तो चलते हैं बैंक के अंदर। एक काम करते भाई, इस वाले बंदे से बात करता हूँ। यहाँ पर देखो भाई कितने सारे बैंक के लोग हैं, वैसे ज्यादा नहीं है, 4-5 लोग ही है, तो इनसे बात करता हूँ। बैंक अभी खाली है तो ये आराम से गिरवी दे देगा। तो यार बैंकर से मैंने बात करके रखा था पहले से, तो इसको मैंने पहले से अपनी सारी चीजें बता दिया था। तो ये है मेरे घर की चाबी, मुझे बस इसको देना है भाई। एक हफ्ते के लिए गिरवी में दे रहा हूँ मैं, ठीक है, मुझे जो पैसे चाहिए मिल जाने चाहिए भाई। ओके कह रहा है, क्या बात है, हो जाएगा काम। ओ भाई इसने देखो दे दिया पैसे, क्या बात है यार, जितना हमारी बात हुई थी उतना से दे दिया। लेकिन एक बात है यार, मेरे घर की चाबी इसके पास में, तो अगले हफ्ते मुझे आकर ये पैसे चुकाने पड़ेंगे। लेकिन चुकाऊंगा कैसे तुम लोग सोच रहे हो, इतने सारे पैसे, और इतने पैसों का मैं क्या करूंगा वो भी सोच रहे हो। तो अभी हमें मिलना है इस दुनिया के सेकंड नंबर के सबसे बड़े अंडरवर्ल्ड के माफिया से, जिसका नाम है वसूली भाई। उसके पास सारी इलीगल आइटम है, तो जल्दी चलते हैं भाई ये बैंक से दूर और उससे मिलते हैं, क्योंकि वो ऐसे नॉर्मल जगह पर नहीं मिलेगा हमें, उसको ढूंढते हुए जाना पड़ेगा हमें खतरनाक जगह पर। तो यार मैं पहुंच चुका हूँ समुद्र के किनारे। अब तुम लोग सोच रहे हो भाई इधर समुद्र में क्या कर रहा हूँ मैं। भाई ये माफिया लोग ना ऐसी जगह पर रहते हैं, और जो वसूली भाई है ना ये बहुत ज्यादा खतरनाक आदमी है भाई, पुलिस पड़ी है इसके पीछे। तो मुझे यहाँ पर आने के लिए कहा गया था और ये वाले ब्लॉक से जस्ट मुझे कूदना था नीचे। ओके कूदता बस मरना जाओ भाई, पहुंच गया मैं, क्या बात है। और वो तुमको दिख रहा है वो है सीक्रेट बेस। अब यहाँ पर बहुत लोग पहुंच नहीं पाते, लेकिन टेंशन मत लो यार, मेरा जुगाड़ है पूरा। तो पहले मुझे पानी में जाके ऊपर आना पड़ेगा। और तुम लोग सोच रहे हो अभी मेरे बबल्स कम क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि भाई ये खतरनाक लोग है यार, कॉन्डियम लगा के रखे इन लोगों ने। ये देखो हार्ट ऑफ द ओशन, तो जल्दी पहुंचते इसके पास में भाई, सब कुछ है। और ये बेस देखो भाई, मजाक चलोगे, क्या बना के रखा है इसने। तो यार एंट्रेंस में पहुंच चुका हूं मैं इनके, और ये रहा वसूली भाई, क्या बात है। अरे भाई डील तो याद है ना, इलीगल आइटम मुझे मिलने चाहिए, ठीक है पैसे पूरे लेकर आया हूं मैं। यार ये बंदा पैसे पहले देने के लिए कह रहा है, तो कोई बात नहीं, रख देते भाई इसके सामने पूरे पैसे। ये लो भाई, और देखो सोने का बेल्ट, सोने की चेन, सोने की घड़ी सब है भाई। भाई ये चलेगा ना? चलेगा, क्या बात है भाई, तुम्हारे बेस में तो लेकर चलो मुझे। चलो चलो इसके पीछे चलते हैं भाई, क्या बात है। ये देखो ये इसके लोग है, जब भी तुमको ऐसे लोग दिखे ना समझ जाना ये वसूली भाई के लोग है। ठीक है भाई मैं यहीं पर रुकता हूँ, कोई बात नहीं भाई, मेरे सब कुछ रखा हुआ है भाई उसने, वो देखो वो वाले चेस्ट में। तो देखते क्या करता है, वैसे मुझे पीछे रहने के लिए कहा है, तो मैं यहाँ पर आके चुपचाप बैठ जाता हूँ। चेयर है भाई, चेयर में बैठेंगे। ओके आ गया भाई इतना जल्दी। ये भाई इलीगल आइटम प्रो मैक्स अल्ट्रा, जो भी कहो तुम लोग, क्योंकि जो तुम लोग देखने वाले हो ना घबरा जाओगे। अरे भाई कोई बंदूक मिलेगी क्या? अरे नहीं भाई ठीक है ठीक है, उसे ज्यादा पैसे लगेगी कह रहा है वो। भाई कहा ना मैंने खतरनाक आदमी है, तो ज्यादा पैसे लगने वाले, तो ठीक है ब्रीफकेस उठा के जा रहा हूं मैं। और ये क्या है, ये बंदा मुझे कह रहा है अगर मैंने इसके पैसे नहीं लौटाया तो ये मेरी खोपड़ी रही कुछ दिनों बाद। तुम लोगों को एक बात पता नहीं होगी, मैंने भाई ये आधे पैसे देकर सामान लिया हूं, आधे पैसे काम होने के बाद देने वाला हूं मैं। तो मुझे यकीन है भाई काम हो जाएगा, तो मैं जा रहा हूं भाई, पागल ही है। और खोपड़ी अपने पास से रख भाई, निकलता हूं जल्दी। और ब्रीफकेस में क्या है मुझे पासवर्ड वगैरह सब पता, टेंशन मत।
मत लो। तो जल्दी निकलते यहाँ से और वो ऊपर की तरफ जाना, मुझे कोई देखना ले बस। वैसे बहुत दूर आया भाई, कोई देखेगा नहीं। यार पहुंच गया मैं अपने टाउन पर, लेकिन एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी। देखो मैं आपको दिखाता हूँ इसमें है क्या। यार तुम लोग सोच रहे हो यहाँ पर रखा क्या है, तो पहले खोलता हूँ इसको मैं। भाई डबल लॉक है भाई, खतरनाक। ये देखो ये सब चीजें इसमें। तो एक एंकर है, ये रेड बलून है और एक ओक शेप हेलम है। अब तुम लोग सोच रहे हो भाई ये क्या काम का, रेड बलून भाई ये भी कोई काम की चीज है यार। इसी से मैं फ्लिक का पूरा घर उड़ाने वाला हूँ, टेंशन मतलब उड़ जाएगा घर। लेकिन मैंने पहले कभी ट्राई नहीं किया हूँ। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो एटीएम मशीन कैसे खोलूंगा मैं। उसके लिए मुझे कुछ ऐसे बंदे की हेल्प लगेगी जो बहुत पुराना प्लेयर हो यहाँ का, वो है राहुल। भाई मेयर को तो बोल नहीं सकता ना भाई, वो फ्लिक के साथ मिला हुआ हो क्या पता। तो पहले हम लोग चलते राहुल के पास में। और राहुल कहाँ पर है भाई, उसकी गाड़ी नहीं है भाई, गाड़ी के अलावा जाता नहीं कई बार वो भाई, कहीं दिख नहीं रहा राहुल। ओ ये रही गाड़ी उसकी, क्या बात है राहुल टाइम पर आ गया, जल्दी मिलते उससे। क्योंकि आज का समय हमारे पास में, क्योंकि फ्लिक हर दोपहर को आता है, तो कल दोपहर को फ्लिक आता ही होगा। तो भाई आ चुका हूं मैं राहुल के घर पर, और एक काम करता हूं बेल बजाता हूं पहले मैं। राहुल नीचे आ यार, क्या कर रहा है तू? अरे भाई एक मिनट, कौन है बार? और भाई डैश तू यहाँ पे कर क्या रहा है यार भाई, तू फालतू मेरा टाइम वेस्ट क्यों कर रहा है अभी? अरे मैं तो तुझे कुछ बोला ही नहीं, टाइम वेस्ट क्या बात हुई, तेरे लिए काम है लेकिन घर के अंदर चल के बात करना पड़ेगा। अरे चल चल भाई। यार एक बात बता, तू एक महीने में कितना कमाता है यार? लेकिन तू यार ये सब पूछ क्यों रहा है? अरे तू बताना यार, मैं तेरे लिए एक डील लेकर आया हूँ। एक महीने में तू कितना कमाता है, कितने पाइल गोल्ड कमाता है भाई? एक पाइल यार, और क्या हो यार भाई, बहुत होता है यहाँ पे एक पाइल। वो तो है यार, मैं जानता हूँ भाई, मैंने अभी भी लोन लिया था। क्योंकि यार अगर मैं कहूँ कि तुझे एक ही दिन में दो पाइल कमा के दूंगा तो मेरा काम करेगा तू? अरे यार भाई बिल्कुल यार भाई, तू बैठ बैठ यार, तू ऐसे एक रुक रुक, मैं लेके आता भाई चेयर। अरे कुछ भी नहीं तेरे घर पे, रुक यार, तेरा पूरा घर सजा देंगे हम लोग अगर हमने वो काम कर लिए। दो छोड़, मैं तुझे तीन पाइल गोल्ड दूंगा, करेगा? क्या बात कर रहा है। अरे भाई बिल्कुल यार, यार तब तो मैं एक टांग में कर लूंगा भाई वाला काम। भाई बस मुझे एक बार बता, ये वाले वर्ल्ड में बहुत सारी इलीगल चीजें, तुझे तो पता होगा, तो क्या तेरे पास में कोई ऐसी चाबी है जो एटीएम मशीन को खोल सके? अरे यार भाई अब देख, इस वाले टाउन में भाई यहाँ पे ना मेरे से ज्यादा खतरनाक आदमी कोई नहीं मिलेगा। और देख ये वाली चीज है, और इससे ना हम लोग बहुत सारे इलीगल आइटम्स को भी खोल सकते हैं यार। क्या बात है, एटीएम तो खुल ही जाएगा। तो एक काम कर तू रख अपने साथ में, और सुन एक काम कर राहुल, तू कल एग्जैक्टली इसी समय पर मुझे मिलना, ठीक है? और वो मिलना तुझे फ्लिक के घर के सामने। यार टेंशन मतलब सारा प्लान मैंने बना लिया हूँ, बस वो की लेकर आना, ठीक है? और किसी के पास की है वो? यार बस एक बंदे के पास है और वो है मेयर। ठीक है ठीक है, काम करता हूँ मैं भी, चाहता हूँ कोई देखना नहीं चाहिए हमें। कल मिला मुझे इसी समय पर फ्लिक के घर के सामने। क्या बात है भाई, पैसे ही पैसा होगा अब तो। चलो सब काम हो चुका है, राहुल को मैंने बता दिया। यार राहुल एक्चुअली मेरे प्लान पे इसलिए मानेगा क्योंकि पैसा बहुत ज्यादा है भाई, यार फ्लिक ने सारा ब्लैक मनी हड़प के रखा है। क्योंकि यार रास्ते में हूँ तो अपना पुराना घर भी देख ले। तो ये क्या हुआ पुराने घर को? एक मिनट यार, लगता है यहाँ पर कोई नया प्रोजेक्ट चालू हो गया। लेकिन एक सेकंड भाई, ये तो रातों रात बिल्डिंग खड़ी हो रही है इधर। एक मिनट, वो तो फ्लिक है भाई। एक मिनट अंदर चलता हूँ मैं। यार तू क्या कर रहा है फ्लिक, तेरी बिल्डिंग है ये, हो ही नहीं सकती है। एक मिनट भाई, तू करके किससे बात कर रहा है? ये मेरे टाउन का सबसे ज्यादा अमीर आदमी हूँ मैं, और ये वाला जो बिल्डिंग तुझे दिख रही है ना, मैं और मेयर मिलके बना रहे हैं इसको। ये तो खतरनाक बात बोला, लेकिन तू सबसे अमीर कैसे हुआ? तुझसे भी तो इलीगल लोग रहते हैं यहाँ पर। अरे तो वो इलीगल तरीके से ना भाई, मेरा तो सब लीगल है यार। यार गवर्नमेंट को सब कुछ पता है मेरा पैसा कहाँ से आता है कहाँ से जाता है। और ये वाली बिल्डिंग ये मेरे टाउन की सबसे बड़ी बनने वाली है अभी, और इससे तो मैं और ज्यादा पैसा कमाऊंगा। वो तो पता है कैसे कौन सा लीगल पैसा दे रहा, मैं जानता हूँ बस। चलो छोड़ो वो सब बातें, हटाओ। क्या बिल्डिंग बन रही है तेरी, एक बार देख लूं मैं भाई? ऊपर चल के देखते क्या खतरनाक बिल्डिंग है। देख ले भाई, तेरी आंखों को सुकून मिलेगा कम से कम अमीर चीजों को देखने के बाद। अरे फ्लिक तेरा घर भी दिखता है यहाँ से, क्या बात है भाई। और क्या, इसलिए तो मैंने बनाया यार, मेरा घर दिखेगा तभी तो ये अपार्टमेंट का प्राइस एकदम ऊपर जाएगा। यार बात तो तेरी सही है, लेकिन क्या पता कल को तेरा घर ही ना रहे। चलो मैं तो जाता हूँ भाई, मेरे पास टाइम कम है। यार ये क्या बोल के गया तू यार, कुछ भी बातें करता क्या? पता नहीं यार ऐसे फालतू के लोग क्या बात कर लेते हैं। मैं सबसे ज्यादा अमीर हूँ और मैं ही सबसे ज्यादा अमीर रहने वाला हूँ यार ये मेरे टाउन में। यार आज तो मेरी कल से भी ज्यादा इनकम हो गई है यार, क्या बात है। इस बार तो नेदरराइट के कॉइंस मिल गए मुझे भाई, सबसे ज्यादा अमीर आदमी हूँ मैं यार ये पूरी दुनिया का अब तो। यार मेरे सामने कोई नहीं है यार, सबसे ज्यादा अमीर मैं ही हूँ, और अभी कम से कम तीन बिल्डिंग और एक साथ बनाऊंगा अब मैं। चलो यार जल्दी से बाइक पे बैठता हूँ यार, थोड़े दिन में मुझे कुछ नई बाइक भी खरीदनी है, अभी इसी से काम चला लेते हैं, अगले साल लूंगा अब। क्या तुम लोगों ने फ्लिक की बातें सुने हो अभी? भाई क्या बातें कर रहा है, और वो रियल बोल रहा है भाई, सच में उसके पास पैसा मैंने अपनी आंखों से नेदरराइट कॉइन देखा हूं। और अगर तुम लोगों को पता नहीं है तो यहाँ पर एक कन्वर्जन चलता है यार, सबसे छोटा होता है आयरन कॉइन, फिर कॉपर कॉइन, फिर गोल्ड डायमंड, और फिर आखिरी में नेदरराइट कॉइन। और एक नेदरराइट कॉइन तो पता नहीं कितने डायमंड कॉइन के बराबर होता है। चलो वो सब तो बाद में देखेंगे हम लोग, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फ्लिक जा चुका है, अब वो सीधा रात को सोने के लिए आएगा, क्योंकि जा रहा है भाई वो इलीगल काम करने। अब वो इलीगल काम मुझे मतलब नहीं है क्या कर रहा है, मुझे तो बस उसके पैसे उड़ाने हैं बस यहाँ से। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग चलते सीधा घर के अंदर उसके। तो यार मैं सोच रहा हूँ घर के अंदर जाने से अच्छा मैं पहले ब्रीफ केस को खोलता हूँ, और इसका पासवर्ड बड़ा खतरनाक रखा हुआ है इसने, और ये देखो डबल लॉक है यहाँ पर। तो इसको खोलते और पहले पूरा सामान निकाल देते हैं, ब्रीफ केस की कोई जरूरत नहीं अभी मुझे। ये देखो ये है रेड बलून, अब जिससे मैं इसको अटैच करूंगा वो चीज हवा में उड़ेगी, लेकिन इतना भी आसान नहीं है, पहले मुझे ये लगाना पड़ेगा भाई। शिप हेलम है ये, मतलब शिप को चलाने के जो लगता है ना वैसे शिप नहीं है, हम कोई भी चीज को यहाँ पर एयर शिप बना सकते हैं, स्पेसशिप कुछ भी बना सकते हैं भाई। ये पानी में भी तैरा सकता हूँ मैं इस घर को, इतना इलीगल आइटम है ये। तो मुझे इसके घर के अंदर जाना पड़ेगा पहले। यार पहले नीचे चल के देखते हैं, और क्या बात है न्यू करेंसी आ चुकी है, ये गोल्ड वाला था और ये एमराल्ड के कॉइंस आ चुके हैं इसके पास में। ये देखो इसके फेस में विलेजर बने हुए हैं, क्योंकि भाई ये स्टैंप है कि रियल है कि नहीं है, तो ये असली पैसे इसके पास में। अब बस घर उड़ाना है मुझे, तो एक काम करते
यार, पहले घर के बाहर निकलते हैं, अभी कोई आएगा भी नहीं और एक प्रॉब्लम है ना कोई देख ना ले, इसलिए यार मुझे भी जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा। वैसे अब कोई देख भी लेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले एक काम करते हैं, बलून लगाकर ऊपर चढ़ता हूँ मैं। तो मेरे ख्याल से घर का सेंटर ये ठीक रहेगा। ओके, घर का सेंटर ये है तो ऊपर की तरफ चलते हैं। पहले कनेक्ट करना पड़ेगा मुझे, तो कनेक्ट तो अच्छे से हो चुका है। अब यहाँ पर मुझे एक एयर बलून टाइप बनाना पड़ेगा बढ़िया सा, तो थोड़ा और ऊपर चलते हैं। इतना काफी होगा नहीं भाई, कुछ ज्यादा हो गया। तो यार मैं घर के ऊपर आ चुका हूँ। अब देखो मुझे यहाँ से इसको कनेक्ट करना है, तो पहले मैं ऊपर की तरफ चलता हूँ थोड़ा, और ये देखो इस टाइप से थोड़ा कनेक्ट करना है और ये काफी रहेगा इतना हाइट। अब मुझे बस यहाँ पर सर्कल बनाना है। यार मैं सोच रहा हूँ एक बड़ा सा शेप टाइप बनाना है मुझे, ना कि हॉट एयर बलून। तो यार इसका शेप थोड़ा इस टाइप से रखते हैं कि थोड़ा आगे की तरफ जाएगा सिलेंडर टाइप से। तो यार आधे से ज्यादा बलून लगा दिया मैंने, और अब देखो कैसा लग रहा है हमारा बेस। ये देखो यार ये फ्लिक का घर हुआ करता था, मतलब अभी भी उसका घर है, लेकिन ये देखो उसके ऊपर एक जायंट बलून है। मतलब वो रहता है ना भाई, ये बलून को क्या कहते हैं कमेंट करके बताना मुझे भी नहीं पता। लेकिन अभी हम लोग ऊपर चलते हैं, पहले इस तरफ से बिल्ड करना पड़ेगा, उसके घर पे बिल्ड नहीं कर सकता मैं। और मुझे पता है मैं रूल तोड़ने जा रहा हूँ बहुत खतरनाक वाला, क्योंकि मेयर मुझे जेल में भी डाल सकता है। लेकिन टेंशन मत लो, मेरे पास इसके बाद इतना पैसा हो जाएगा कोई मुझे जेल में भी नहीं डाल पाएगा। तो एक काम करते पहले इसको कवर, नहीं इसको कवर नहीं करेंगे हम लोग, पहले इसको पूरा अंदर से कवर करना पड़ेगा मुझे। तो एक काम करते भाई, ये फटना नहीं चाहिए, वैसे बलून फटेगा नहीं, टेंशन मत लो। लेकिन उड़ना भी तो चाहिए ना, बहुत कुछ है यहाँ पर, बहुत जल्दी खत्म हो रहे ब्लॉक्स, अभी ज्यादा बचे नहीं है। तो एक काम करते एक स्टैक है ना, अभी उड़ाने का ट्राई करते। अभी देखो राहुल आता हो कुछ देर में, राहुल को बुलाया था मैंने वैसे भी। तो बस मुझे यहाँ पर ये स्टेयरिंग व्हील लगाना है और यहाँ पर जाके असेंबल करना है। तो यार सब कुछ हो चुका है, बस अब मुझे उड़ाना है इसको। तो मुझे स्टेयरिंग व्हील को पकड़ना पड़ेगा और बस देखते भाई उड़ता है कि नहीं। ये देखो ये घर को पूरा एंटिटी बना लिया मैंने, अब बस मुझे स्पेस का बटन दबाना, उड़ेगा कि नहीं। तो दबा रहा हूँ, उड़ क्यों नहीं रहा है? एक सेकंड, ओ एक मिनट, ये क्या हुआ भाई? ये घर हवा में ऊपर गया है भाई, क्या थोड़ा और स्पेस दबाऊंगा तो ऊपर जाएगा ये? ये और ऊपर जा रहा है, क्या बात है यार, कहीं पर तो अटक रहा है। मुझे देखना पड़ेगा कहाँ पर अटक रहा है भाई, ये क्या हो गया? रुक जाओ थोड़ा नीचे लेके चलता हूँ। अरे भाई एक मिनट यार, यहाँ पे चल क्या रहा है यार भाई, आसमान में कैसे उड़ सकता है घर? अरे राहुल इधर आ, इधर मैं हूँ भाई, डैश जल्दी आ। अरे भाई तू है कहाँ पे? लेकिन भाई मैं नीचे लेता हूँ पहले घर को, नहीं तो राहुल पागल हो जाएगा। अरे भाई क्या सही दिख रहा है यार, यार घर भाई आसमान में कैसे उड़ सकता है? लेकिन यार देखा तूने उड़ते हुए घर को भाई, खतरनाक काम किया ना मैंने, इसलिए मैंने कहा था डरने वाला है तू भाई। लेकिन ये यार ये तूने किया कैसे यार? तू टेंशन मत ले भाई, भयानक बाप इंसान हूँ मैं, सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मेरा एक शर्त है बस, तूने जो कहा था वो तू करने वाला है ना, वो लॉक खोल पाएगा, ये फ्लिक का घर है। अरे भाई बिल्कुल यार, एक काम कर राहुल तू अपने काम पर लग जा, ये घर उड़ते रहेगा। तो एक काम कर, ये ले की कार्ड, अबे खुल तो रहा है, ये देखो एक्चुअली ये ग्लिच हो रहा है ना, इसे समझ भी नहीं आ रहा। तो राहुल मैं क्या सोच रहा हूँ, तू एक गेट को तोड़ दे, क्योंकि तेरे पास में वो चीज है, वो तोड़ सकता है। अरे भाई इसको मैंने अभी तोड़ दिया। और भाई ये लॉकर है कहाँ पे? यार नीचे है, यहाँ पर लॉकर है देख, तुझे दिखेगा। लॉकर नहीं तोड़ना है भाई, तुझे एटीएम मशीन को तोड़ना है। ये है राहुल वो एटीएम मशीन, तुझे बस इसको खोलना है। और मुझे पता है समय लगेगा, तो समय का टेंशन मत ले यार, घर उड़ने वाला है आसमान में। चल यार भाई मैं यहाँ पे अपना काम करता हूँ, और भाई तू अपना काम कर बाहर जाके। भाई काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो घर उड़ रहा है राहुल, ठीक है देख कर रहना, थोड़ा ऊपर ले जाना पड़ेगा, थोड़ा और ऊपर लेके चलते हैं। अब मुझे देखना ब्लॉक कहाँ पर हो रहा है, ये देखो ये मैक्सिमम जा रहा है, ये और ऊपर जा रहा है, क्या बात है भाई, घर हवा में हमारा। अब बस मुझे इंतजार करना है, वो है फ्लिक का। यार फ्लिक आता ही होगा थोड़ी देर में। आज यार कमाई तो बहुत ज्यादा हो गई, अब जल्दी से अपने घर में चलता हूँ और एटीएम में पूरा पैसा डाल देता हूँ यार। और एक मिनट ये क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे भूकंप आ गया क्या? लेकिन भूकंप में मेरा घर ऊपर थोड़ा ना उड़ेगा। लेकिन ये किया किसने यार, ये क्या हो रहा है यार, पता नहीं यार ये कैसे हो सकता है यार, ये तो इम्पॉसिबल चीज है भाई, उड़ रहा है यार मेरे आंखों के सामने। और एक मिनट ये कौन दो लोग निकल गए, अभी डैश और राहुल ये दोनों गरीब लोग मेरे घर में कैसे आ गए यार? जल्दी से रुक जाओ, जल्दी आओ यार नीचे आओ यार, मुझे तुमसे बात करनी है। अरे भाई बात करनी है तुझे भाई, तू तुच्छ सा प्राणी भाग यहां से भाई। एक काम करो यार, भाई तुम लोग इतने अमीर घर में रह कैसे सकते हो, तुम्हारी औकात कैसे हुई, जल्दी नीचे आओ। अब ये घर हमारे नाम हो चुका है ठीक है, और तू भाग यहां से जल्दी। अगर तुझे घर वापस चाहिए ना तो 10 पाइल गोल्ड चाहिए हमें ठीक है। अरे उससे ज्यादा तो भाई वहीं पे रखा है, तुम लोग फालतू की बातें मत करो, जल्दी वहां से नीचे उतरो, नहीं तो गोली से मार दूंगा मैं। यार हम लोग तो तुझे अच्छा सोल्यूशन दे रहे थे, लेकिन ये बंदा मानेगा नहीं यार। एक्चुअली में इसके एटीएम में 50 पाइल सोना भी हो सकता है। तो राहुल तू अपने काम पे लगा, ये क्या कर रहा है? और फ्लिक तू यहीं पर आजा भाई, अपना मुंह देखते हुए। भाई तेरा घर उड़ा के ले गए हम लोग, देख भाई कितने खतरनाक लोग है। अब तो और ऊपर जाने वाला, तू चाहता है मैं और ऊपर जाऊँ? ये लो भाई और ऊपर चलते हैं। जा ही नहीं सकता यार, एक मिनट ये क्या हो रहा है भाई? भाई तेरे आंखों के सामने ऊपर जा रहा हूँ मैं, और जाओ ऊपर, ये देख भाई ये क्या हो रहा है भाई, तेरा घर में मूव करवा सकता हूँ, ये देख। अरे भाई एक मिनट, अरे क्या हो रहा है ये? अबे कहाँ लेके जा रहे हो मेरा घर? रुक जाओ मैं यार कैसे चढ़ू भाई, प्लेन लाना पड़ेगा मुझे यार, हेलीकॉप्टर तो खरीदा ही नहीं था मैंने। लेकिन यार इतिहास में पहला बंदा होगा फ्लिक जिसका घर ही चोरी हो गया। मैंने कहा था ना मुझसे पंगा मत ले भाई, तूने मुझसे पंगा लेके बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तेरा घर में लेके जा रहा हूँ भाई, उल्टी आ रही है। अरे सहना पड़ेगा राहुल, तू हिलडुल क्यों रहा है इतना? ये देखो राहुल पागल हो चुका, तू अंदर जा भाई बेस के। आपको राहुल दिख रहा होगा, वो देखो तू अपना काम कर, राहुल एक काम करता हूँ मैं यहीं पर पार्क करता हूँ इसको। क्या बात है भाई, फ्लिक से बहुत ज्यादा दूर ला लिया मैंने इस बेस को। और अभी देखो आसमान में कहाँ पर है हम लोग भाई, मजाक थोड़ी ना है, खतरनाक है भाई। और एक घर देखो आपको दिख रहा होगा, ये थोड़ा टिल्ट है, ये देखो राइट की तरफ, मैं राइट जाऊंगा थोड़ा जल्दी जाऊंगा, और लेफ्ट की तरफ थोड़ा ऊपर की तरफ है भाई। क्या बना दिया मैंने, थोड़ा नीचे आता हूँ मैं। और राहुल तूने काम कर दिया ना पूरा? अरे भाई ऑलमोस्ट यहाँ पे डन हो चुका है काम। और देख यहाँ पे ना मैंने ऑलरेडी कुछ पाइल्स भी निकाल दिया है भाई, ये तो अपने पास रख, मैं तो जा रहा हूँ शिप को चलाने के लिए। क्या बात है भाई, कितना ज्यादा पैसा निकाल लिया तूने, बहुत बढ़िया काम किया यार। अरे बात तो सही है भैया, लेकिन फ्लिक है कहाँ पे भाई, देख के तो एक बारी। अभी यार शेट बातों बातों में रह गया यार, मैंने बहुत ज्यादा ऊपर नहीं उड़ाया बेस को, फ्लिक कहाँ पर है? एक मिनट है ही नहीं आसपास, अरे ये तो ऊपर आ रहा है भाई, रुक जाओ ये तो आ ही गया था, लेकिन फ्लिक तो कुछ नहीं कर पाएगा। एक मिनट अबे यार भाई भाई भाग गया मैं।
क्या सही टाइम पे हम लोग बच गए यार भाई, ये तो निकल गया था पूरा, वही तो घर पे आता बंदूक थी उसके पास भाई, घर लेके भाग रहे मेरा। तू जिसको बताना बता भाई, मेयर भी मरने वाला है ये सुन के, और जिसके पास पैसा रहता मेयर उसके तरफ रहता है, तो गया भाई तू। और ये देखो राहुल को भी चलना पड़ रहा भाई, इसमें कौन सा लॉ यूज हो रहा है मुझे भी नहीं पता, पर भाई घर उड़ा रहे हम लोग, और एक घर को मैं इतना दूर ले जाऊंगा ना तुम लोगों ने सोची नहीं होगे यार। लेकिन भाई इसकी स्पीड बहुत ज्यादा कम नहीं है क्या? यार स्पीड कम है मेरे पास, उसका भी जुगाड़ है, मैं तो फ्लिक से दूर जा रहा था। ये देखो फ्लिक मुड़ चुका भाई, फट गई उसकी पूरी। लेकिन टेंशन मत ले, हमें क्या करना है भाई, ये देख मुझे सर के ऊपर अपने मोटर लगाना पड़ेगा ये वाला, भाई खतरनाक मशीन है ये, बहुत कुछ लेकर आया था मैं, ये तो खैर मेरे पास पहले से पड़ा हुआ था जुगाड़ भाई, सब कुछ पता है मुझे। उसके लिए फ्यूल भी तो चाहिए ना कुछ। अरे फ्यूल के नाम पे सिर्फ कोल चाहिए, कोल है तेरे पास? कोल तो बहुत है भाई। एक काम कर राहुल, भर दे तू इनमें कोल, एक काम कर दो में ही भरना पहले, एक काम कर तो मैं ही भर देता हूँ, दो में भरते भाई, बहुत खतरनाक मशीन है ये। ओके एक में भर दिया मैंने, ये दूसरे में भर दिया, अब देखना हम लोग कितना तेज जाते हैं। ओ भाई ये कौन सी स्पीड है राहुल, तू गिर जाएगा भाई, ये क्या कर रहा है तू? और हमारी स्पीड देखो यार तुम लोग भाई कितने स्पीड में, और ये राहुल थोड़ा ग्लिच में दिख रहा है, टेंशन मत लो भाई, राहुल संभल के रहना यार, चक्कर आ सकते तुझे। अरे भाई हम लोग तो कुछ ज्यादा ही स्पीड में भाई, मेरा अभी पूरा घूमना चालू हो चुका है सर। भाई सर तो घूमेगा ही ना इतने स्पीड में, तो यार मैं इसको लेके जा रहा हूँ एकदम अलग से जगह पर, हम लोग इसको ओशन के आसपास कहीं पर छोड़ेंगे, टेंशन मत ले, जहाँ पर मुझे अच्छी जगह मिलती है यार। जंगल मुझे सही लग रहा है, क्या कहते हैं जंगल के बीच में छोड़ देते इसको, और भाई इसको कहीं अंदर में डाल देते यार। एक काम करते जंगल के बीच में सही रहेगा, तो मुझे डिसेंड करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, और ओके इतना सही रहेगा, और इससे ज्यादा नीचे नहीं जा सकते हम लोग, तो ये परफेक्ट रहेगा, यहाँ पर कोई आने भी नहीं वाला है, हम लोग इतना दूर आ चुके हैं भाई, खतरनाक बन चुके हैं हम लोग पूरे। तो यार पूरा घर भी चोरी हो चुका और पैसे मिल चुके हैं, लेकिन भाई एक घर को मैं अभी तबाह नहीं करूंगा, फ्लिक से और भी बदला लेना है मुझे, और टेंशन मतलब मेयर से बदला लेना है, सिर्फ फ्लिक अकेला नहीं है भाई, मेयर ने भी ऑर्डर दिया था, तो मेयर से बदला लेंगे हम लोग, वो करेंगे हम लोग अगले एपिसोड में। तो लाइक कंप्लीट कर दो सेकंड एपिसोड के लिए, बाय बाय।